सो आज का लेसन है गाने का नाम क्या हुआ तेरा वादा बाय मोहम्मद रफी जी का गाना। मुझे रिक्वेस्ट आया था इस गाने के इंट्रो पार्ट का लेसन देने के लिए। सो आज मैं इसका इंट्रो पार्ट और बीच में छोटा सा एक फर्स्ट सोलो और सेकंड सोलो है छोटा सा उसको बताने वाला हूँ। सो कुछ इस तरह से करें इंट्रो पार्ट। इसमें आपको किस तरह से अप्लाई करना नोट, फोर्थ स्ट्रिंग ओपन दो बार, थर्ड स्ट्रिंग का टू, थर्ड स्ट्रिंग का टू दो बार, सेकेंड स्ट्रिंग का थ्री, थर्ड स्ट्रिंग का टू दो बार, सेकंड स्ट्रिंग का थ्री दो बार, वन थर्ड स्ट्रिंग का थ्री, आफ्टर थर्ड स्ट्रिंग का आपको थ्री फाइव भी कंटिन्यूसली हैमर ऑन करना है फोर टाइम्स, फिर थर्ड स्ट्रिंग का टू थ्री पे फोर टाइम्स हैमर ऑन कर देना कुछ इस तरह से इंट्रो पार्ट। फिर फर्स्ट स्ट्रिंग का आपको एट और सेकंड स्ट्रिंग का टेन पे एंडिंग करना है कुछ इस तरीके से। तो इस इंट्रो पार्ट को मैं ट्रैक के साथ प्ले करूंगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा। सो देखिए इस तरह से इंट्रो पार्ट करके अब फिर फर्स्ट सोलो पे थोड़ा सा गिटार का नोट अप्लाई करें इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको फोर्थ स्ट्रिंग का सेवन एट टेन, थर्ड स्ट्रिंग का सेवन, आप फर्स्ट स्ट्रिंग का टेन, सेकंड स्ट्रिंग के इलेवन, फर्स्ट स्ट्रिंग का ट्वेल्व, सेकंड स्ट्रिंग का थर्टीन, आप फिर सेकंड स्ट्रिंग का टेन इलेवन थर्टीन, फिर टेन, आप फिर आपको डबल नोट या स्ट्रमिंग करना है सेकंड स्ट्रिंग के इलेवन, फर्स्ट स्ट्रिंग का टू वाला प्रेस करके डाउन कर देना है आपको, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग का थर्टीन पे एंडिंग करना है कुछ तरीके से। ये फर्स्ट सोलो पार्ट। आप फिर सेकंड सोलो पे थोड़ा सा फिर से एक सोलो पार्ट अप्लाई करना लास्ट पे इस तरीके से। सो देखिए इसमें छोटा सा एक सेकंड सोलो पार्ट करना है, सेकंड स्ट्रिंग का 10 दो बार, फर्स्ट स्ट्रिंग का 8, फिर सेकंड स्ट्रिंग का 10 दो बार, फर्स्ट स्ट्रिंग का 10, और फिर पहले का अप्लाई करना जो आपने अभी बोला सेकंड स्ट्रिंग का 30, सेकंड स्ट्रिंग का 10 11 13, फिर 10, फिर इस तरह से पकड़ना 11 12 पे डाउन और 13 को सत्र सेकंड सोलो पार। कर देना है। तो गाना बहुत ही अच्छा है इसका सोलो पार्ट इंटर पार्ट। सो आप स्लोली की प्रैक्टिस से लर्न कीप प्रेसिंग कीप प्लेइंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।